गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के आज 8 बज रहे हैं और आज है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। तो गाइस, इस समय हम पी रहे हैं चाय, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो कल रात गाइस मेरे गांव में माता जी की जो स्थापना हुआ, वहां पे हम कल रात ब्लॉग बनाए और वहां पे मेरे मम्मी बड़े पिताजी माता का आँख खोलें और फीता काटें और खोचा भराई का कार्यक्रम हुआ। तो मैंने उस ब्लॉग को शूट कर लिया और उस ब्लॉग को अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं माता जी की जो मूर्ति है वो मेरे गाँव में स्थापना हो चुकी है। अब माता जी का कुछ ही समय में आँख खुलने का कार्यक्रम होगा। तो उनसे पहले जो फीता कटाई का रस्म होता है, सबसे पहले यहाँ पे गांव के पंडित जी जो हैं वो टीकाकरण करने का काम कर रहे हैं। तो टीकाकरण करने के बाद फीता काटने का रस्म होगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब फीता काटने का रस्म हो रहा है। यहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं 501 रुपये के फीता काटने का रस्म किए हैं। फीता काटने का रस्म के बाद अब माता जी का आँख खुलने का रस्म होगा। फिलहाल दोस्तों माता जी का आँख खुलने का रस्म जो है वो हो चुका है। फिलहाल आगे का कार्यक्रम अब होने को बाकी है। आँख खुलने के बाद अब खोइचा भराई करने का कार्यक्रम जो होने को बाकी था अब होने वाला है। तो आप देख सकते हैं खोइचा भराई का कार्यक्रम जो मेरे बड़ी मम्मी द्वारा किया जा रहा है। तो वीडियो को देखिएगा गाइस, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और माता खोइचा भरा और माता से आशीर्वाद लेकर के तब अपने घर जाए। हेलो हेलो। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं जो खोइचा भराई का काम है जो बाकी था वो हो रहा है। यहाँ पे बड़ी मम्मी जो हमारी हैं खोइचा भर रही हैं। पीछे मेरे बड़े पापा का लड़का जो रौनक सिंह है वो खोइचा भराई के काम में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों खोइचा भराई कार्यक्रम जो है हो चुका है। अब हम सब लोग मिलकर पूरे गाँव वासियों एक साथ आरती करने वाले हैं, जो कि काफी मजा आता है आरती करने में। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ उपस्थित है आरती करने के लिए और प्रसाद खाने के लिए। तो आरती शुरू होने वाला है। आरती शुरू होने से पहले दोस्तों एक रस्म बाकी था जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का रस्म होता है जो बड़े पिताजी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फाइनली लास्ट में यही आपसे कहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस।